वज्रनाभ नाम का एक राक्षस जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, उसका अंत करने के लिए ब्रह्मा जी ने उस पर कमल पुष्प से प्रहार किया, जिसकी वजह से उसका अंत हुआ। उसी समय कमल पुष्प की कुछ पंखुड़ियां भूमि पर जाकर गिरी और एक ऐसा संयोग बना कि उन पंखुड़ियों से जल की धारा बहने लगी और वह स्थान पवित्र स्थान पुष्कर तीर्थराज बन गया, पुष्कर राज बन गया। इस तीर्थ का वर्णन यानी पुष्कर का वर्णन रामायण काल में भी आता है और साथ ही साथ पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। इसी संयोग में माँ गायत्री ने अवतार लिया, तो ये संयोग जो है बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही शुभ योग है, जिसे पुष्कर योग कहा जाता है। इस पुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए, पुष्कर योग में तीर्थों में स्नान किया जाए, पुष्कर योग में अगर कोई ऐसी खरीदी की जाए जैसे कि सोना चांदी मशीनरी इत्यादि की खरीदी की जाए, जमीन की खरीदी की जाए तो बहुत ही शुभ होती है, गाय की खरीदी की जाए तो बहुत ही शुभ होती है। इस योग में यदि व्यापार प्रारंभ किया जाए तो ये योग व्यापार प्रारंभ के लिए बहुत ही शुभ योग है। जो भी व्यक्ति इस शुभ समय में, इस शुभ संयोग में, पुष्कर योग में शुभ कार्य की शुरुआत करता है, इस शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करता है, तो उसकी सफलता में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि होती है, यानी वो बहुत ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो ये शुभ संयोग जो है वो कब आता है, यानी ये शुभ मुहूर्त जो है, ये पुष्कर योग जो है वर्ष में कब आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, पुष्कर संयोग जो है वो नवंबर महीने में यानी कि कार्तिक मास में आता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये संयोग बनता है और ये संयोग सिर्फ एक दिन के लिए होता है। इस संयोग की एक विशेषता यानी ये संयोग कैसे बनता है, कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक का जो समय है वो इस संयोग का समय है। और ये संयोग कैसे बनता है, सूर्य जो है, सूर्य ग्रह विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा उसी दिन कृतिका नक्षत्र में हो, तभी बनता है ये शुभ संयोग। मित्रों, चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है और सूर्य एक नक्षत्र में 14 दिन रहता है, तो ये संयोग जो है बहुत ही दुर्लभ संयोग है, पर वर्ष में एक दिन ये संयोग अवश्य बनता है। और इस संयोग में, इस पुष्कर योग में यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मनोवांछित फल मिलता है, अवश्य शुभ फल मिलता है, श्रेष्ठ फल मिलता है। यदि इस संयोग में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही सुखद जीवन होता है। उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई अभाव नहीं रहता है, यानी ये योग जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ योग है, बहुत ही शुभ योग है। तो मित्रों, ये जानकारी थी इस शुभ योग के बारे में जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।